हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथागम। आज के इस वीडियो में मैं आपको फंदे डालना बता रही हूँ, जो हम स्वेटर सॉक्स बुनने के लिए फंदे डालते हैं वो कैसे डाले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक उनका घोड़ा ले लिया है, ये देखिए, और एक मैंने सिलाई ले ली है। तो चलिए देखते हैं फंदे कैसे डाले जाते हैं। सबसे पहले मैं इस ऊन के धागे को डबल कर लूँगी। वो कैसे करना है ये देखिए, किनारे से ऊन को पकड़ के हम इसे डबल कर लेंगे ऐसे। आप जितने भी फंदे डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। अब मैं इसे ट्रिपल कर लूँगी, इसे यहाँ से पकड़कर मैं इसे ट्रिपल कर लूँगी ऐसे। और देखिए ये हमारा धागा ट्रिपल हो गया है। अब हमारे पास यहाँ तीन धागे बन चुके हैं। अब हमारे जो गोले वाली साइड है हम इसे कहीं पे भी फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे अपने पैर के अंगूठे पर भी लपेट सकते हैं मेरी तरह, ताकि हमारा धागा है वो टाइट रहे। धागा जितना टाइट रहेगा उतने ही अच्छे हमारे फंदे आएंगे। हम अब शुरू कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये हमारी यो क्लोज साइड है धागे की, ये वाली, इसे हम अपने, ये जो सिंगल धागा है घोड़े वाली साइड का, इस क्लोज साइड को हम इस सिंगल धागे के ऊपर रख लेंगे ऐसे। और फिर सिलाई की मदद से हम इस सिंगल धागे को विचकार से उठा लेंगे ऐसे, ये देखिए। एक बार मैं और दिखा देती हूँ कि इसे कैसे करते हैं। क्लोज साइड को सिंगल धागे के ऊपर हम ऐसे रखेंगे और सिलाई की मदद सिंगल धागे को विचकार से ऐसे उठा लेंगे और फिर ट्रिपल धागे को खींच लेंगे। हमारी सिलाई ऐसे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फिंगर की मदद से इसे यहाँ से टाइट कर लेंगे ऐसे। अब जो हमारा ट्रिपल धागा है उससे हम इस तरह से अपने सिलाई वाले हाथ की दोनों फिंगर्स में ऐसे डाल लेंगे, ताजो हमें आसान हो फंदे डालने के लिए। अब जो हमारा ट्रिपल धागा है इसे हम नीचे की ओर क्रॉस करेंगे। एक बार और देखना, ऐसे नीचे की ओर क्रॉस करेंगे। और ये हमारा जो सिंगल धागा है घोड़े वाली साइड का, उसे हम विचकार से उठाकर अपनी सिलाई के ऊपर लाएंगे ऐसे, अपनी सिलाई के ऊपर रखेंगे और हमारे ट्रिपल धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक बार हम ट्रिपल धागे को नीचे की ओर क्रॉस करेंगे और एक बार हम इसे ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम ट्रिपल धागे को ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे, सिंगल धागे को विचकार से उठाकर सिलाई के ऊपर ले आएंगे और ट्रिपल धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे ऐसे। अब हम ट्रिपल धागे को एक बार नीचे की ओर क्रॉस करेंगे ऐसे, और सिंगल धागे को घोड़े वाली साइड के सिंगल धागे को सिलाई के ऊपर ऐसे उठाकर ले आएंगे और ट्रिपल धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे ऐसे। अब हम इसे एक बार ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे, ये देखिए ऐसे, और सिंगल धागे को विचकार से उठाकर ऐसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे
और ट्रिपल धागे को टाइट कर लेंगे। अब हम इसे एक बार फिर से नीचे की ओर क्रॉस करेंगे ऐसे, और सिंगल धागे को विचकार से उठाकर ऐसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे और फिर ट्रिपल धागे को टाइट कर लेंगे ऐसे। अब फिर हम एक बार इसे ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, और सिंगल धागे को उठाकर सिलाई के ऊपर ले आएंगे और ट्रिपल धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हम नीचे की ओर इसे क्रॉस करेंगे, ये देखिए ऐसे, बिचकार से सिंगल धागे को उठाएंगे, सिलाई के ऊपर ऐसे ले आएंगे सिंगल धागे को और ट्रिपल धागे को ऐसे टाइट कर लेंगे। ये देखिए हमारे फंदे बनने शुरू हो चुके हैं। अब हम फिर से इसे ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे ट्रिपल धागे को ऐसे, और सिंगल धागे को उठाकर सिलाई के ऊपर ले आएंगे और ट्रिपल धागे को अच्छे से खींच लेंगे। अब हम इसे एक बार नीचे की ओर क्रॉस करेंगे ऐसे, और सिंगल धागे को उठाकर सिलाई के ऊपर ले आएंगे और ट्रिपल धागे को अच्छे से खींच लेंगे। अब हम इसे फिर से एक बार ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे ट्रिपल धागे को ऐसे, और सिंगल धागे को विचकार से उठाकर ऐसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इस ट्रिपल धागे को अच्छे से खींच लेंगे ऐसे। अब हम इसे नीचे की ओर क्रॉस करेंगे ऐसे, और सिंगल धागे को सिलाई के ऊपर ले आएंगे और ट्रिपल धागे को अच्छे से खींच लेंगे ऐसे। अब हम फिर से इसे एक बार ट्रिपल धागे को ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे ऐसे, और सिंगल धागे को उठाकर सिलाई के ऊपर ले आएंगे ऐसे, और ट्रिपल धागे को अच्छे से खींच लेंगे ऐसे। अब हम इसे एक बार फिर से ट्रिपल धागे को नीचे की ओर क्रॉस करेंगे और सिंगल धागे को उठाकर सिलाई के ऊपर लाएंगे और ट्रिपल खींच लेंगे। अब हम इसे फिर एक बार ऊपर की ओर क्रॉस करेंगे, सिंगल धागे को उठाकर सिलाई के ऊपर रखेंगे ऐसे, और ट्रिपल धागे को अच्छे से खींच लेंगे ऐसे। ये देखिए हमारे कितने अच्छे फंदे आगे हैं, बस हमें ऐसे ही फंदे डालते जाना है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।